की शिक्षा की ज्योति जलाओ रे भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योति जलाओ रे भारत की नारियों। जाती है जिस धरती पर कोने कोने में बुद्ध के ज्ञान की धारा बहती थी, जिस देश के कोने कोने में बुद्धं शरणं गच्छामि नाम की आवाज गूंजती थी, आप उस धरती पर जन्मी हो। धन्य हो मेरी माताओं बहनों, इसलिए अज्ञानता आडंबर अंधविश्वास को छोड़ो और शिक्षा को अपनाओ, बुद्ध की शरण को अपनाओ। कहना है इस गीत के लेखक हमारे पूज्य गुरु कवि आर एल बोस जी हैं। बहुत ही सुंदर लिखा है क्या भैया, तुम हो सावित्री बाई, तुम ही झलकारी बाई, तुम हो सावित्री बाई, तुम ही झलकारी बाई, माताओं बहनों एक स्त्री वो भी थी, एक नारी ही थी माता सावित्री बाई फूले, जिन्होंने उस समय पर इस देश में आंदोलन किया जब नारी को स्त्री को पढ़ने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। मनु स्मृति कहती थी स्त्री शूद्रो विद्यानाधीयताम, स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। ऐसे समय में आंदोलन किया, संघर्ष किया माता सावित्री बाई फूले ने और इस नारी को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, शिक्षा का महत्व समझाया। वो भी एक नारी थी मेरी माताओं बहनों, माता झलकारी बाई जो कोरी समाज में जन्मी, वो भी एक वीरांगना नारी ही थी जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवाने का काम किया था। लेकिन ऐसी हमारी महान माताओं को हमारी माताएं बहनें भूलती जा रही। एक नारी ही थी फूलन देवी जिसके ऊपर अत्याचार हुआ तो 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके अपने हाथों से गोली मारने का काम किया था, वो भी एक नारी थी मेरी माताओं बहनों। लेकिन ऐसी महान देवियों को आप जानती तक नहीं, इसलिए कहना है तुम ही सावित्री बाई, तुम ही झलकारी बाई, तुम ही सावित्री बाई, तुम ही झलकारी बाई, अपना सम्मान गवाओ रे भारत की नारियों, बुद्ध जी की शरण में आओ रे भारत की नारियों। हमारी माताओं बहनों से तुम बुद्ध अशोक की माता हो सबकी जीवन दाता, तुम बुद्ध अशोक की माता हो सबकी जीवन
ज्योतिबा फूले सम्राट अशोक, बाबा साहब जितने भी वीर महापुरुष इस धरती पर जन्मे, इनको जन्म किसने दिया? नारी ने, स्त्री ने। वो भी एक स्त्री थी, वो भी एक माँ थी। तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, तो कम से कम आप अपने बच्चों को उन महापुरुषों के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित तो कर ही सकती हो। कहना है, तुम बुद्ध है अशोक की माता, हो सबकी जीवन दाता, बच्चों को वीर बनाओ हरी भारत की नारी। भूमि